अस्सलाम वालेकुम। इस वीडियो में मैंने अब आपको बताना है कि हमने जैसे ये हमारी इमेज है और ये है मास्क। अब हमने इस पर कोरिलेशन और कॉन्वोल्यूशन अगर इम्प्लीमेंट करना है तो, और हमें कहा गया है कि इसकी ज़ीरो पैडिंग करने के बाद इस पर कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन इम्प्लीमेंट करो। या हमें जैसे असाइनमेंट में दिया गया था कि शेडिड एरिया ही आपके ये शेडिड एरिया के अंदर आपका कोई एज वाला आ रहा हो, सेल आ रहा हो जिसकी आपने वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो फिर आप क्या करोगे? फिर आप ये करोगे कि मतलब क्योंकि मास्क जो है जिस मतलब जिस सेल का आपको बोला जाए ना कि इसकी वैल्यू आप पे आप मास्क इम्प्लीमेंट करके इसकी वैल्यू फाइंड करो, तो फिर आप क्या करते हो, जो मास्क का सेंटर होता है ना, मास्क का सेंटर उठाकर उस वैल्यू के ऊपर रखते हो और बाकी जो मैट्रिक्स होती है उसके सराउंडिंग में आती है और जो सराउंडिंग वैल्यूज होती हैं उसके साथ मल्टीप्लाई होती है और फिर जो रिजल्टेंट होता है उसको सम करें तो वो उस सेल की मतलब जो रिज़ल्ट वाली इमेज होती है वो उस रिज़ल्ट वाली इमेज के उस सेल की वैल्यू निकल आती है। तो अब इस केस में क्या होगा, अगर आपको कहा जाए कि वन वाले की सेल की वैल्यू आप फाइंड करो और ये मास्क इम्प्लीमेंट करना है आपने, तो फिर क्या होगा, आप फाइव आप इसके ऊपर अगर रखो वन के ऊपर तो फिर ये सिक्स नाइन एट ये तो इन तीन के साथ अलाइन हो जाएंगे, लेकिन बाकी जो बाउंड्री है हमारे मास्क की ये कहाँ जाएगी, ये ऊपर एम्प्टी जगह पर आ रही होगी ना, तो उसको कैसे हैंडल करना है? उसको हैंडल करने के लिए हम क्या करते हैं, इसके ऊपर या तो ज़ीरो पैडिंग करते हैं या इसके ना जो बाउंड्रीज वाली कॉलम्स होती हैं या रोज होती हैं उन्हीं को हम डुप्लीकेट कर देते हैं। तो पहले मैं ज़ीरो पैडिंग का आपको बताती हूँ। तो ये हमारी इमेज है, अब इसकी ज़ीरो पैडिंग करनी है तो इसके ऊपर एक रो ऐड कर दो ज़ीरोज़ की और यहाँ पर ना कॉलम ऐड कर दो ज़ीरोज़ का और ये एच सेल भी ज़ीरो कर दो, ऐसे इस साइड पे कर दो इन केस के हमारे इस एज वाले जो हैं उनको फाइंड करने के लिए कहा जाए, ऐसे इधर कर दो। मतलब बाउंड्री के ऊपर ना रोज़ और कॉलम्स ऐड कर देने हैं जिसमें आपने जस्ट ज़ीरोज़ लिख देने हैं। अब आपको अगर इन केस कहा जाए इस वन वाले सेल के वैल्यू फाइंड करो, ये मास्क इम्प्लीमेंट करना है ऐसे, फिर आप क्या करोगे, ये वाला वन इसको इस ज़ीरो के साथ अलाइन करोगे, ये टू को इस ज़ीरो के साथ अलाइन करोगे, थ्री को इस ज़ीरो के साथ अलाइन करो, मतलब ये वाली बाउंड्री जो है ये वाले मैट्रिक्स के ऊपर ये वाला मैट्रिक्स उठा के रख दोगे, ठीक है। और ये कैसे रखोगे, मतलब आपको वन का फाइंड करने को कहा है तो मास्क का जो सेंटर होगा वो मास्क का सेंटर है उस वन के साथ आपने अलाइन करना और बाकी जो रिमेनिंग आएंगे वो उसकी बाउंड्री पर आ जाएगी, ऐसे आपने करना है, ठीक है। मैं आपको वन वाले की करके दिखाती हूँ। ये वन जो है ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये टू जो है ये भी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, ये थ्री जो है ये भी ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, फोर ज़ीरो के साथ मल्टीप्लाई होगा, फाइव जो है वन के साथ मल्टीप्लाई होगा, सिक्स जो है टू के साथ होगा, सेवन जो है वो भी ज़ीरो के साथ होगा, एट जो है ये फाइव के साथ होगा और नाइन जो है ये सिक्स के साथ होगा, ऐसे ही आप इसको मल्टीप्लाई कर लो और फिर उसके बाद इसको ऐड करोगे तो आपके पास एक रिजल्टेंट वैल्यू को याद आएगी। अब वो वैल्यू जो है आपने रिजल्टेंट मैट्रिक्स के अंदर लिखनी है। अब जो मैट्रिक्स अगर आप ऐसे कर रहे हो ना कि वन बाय वन आप इसके ऊपर लेके जा रहे हो, एक एक सेल के ऊपर मास्क लेकर जा रहे हो, फिर आपकी जो फाइनल इमेज होगी वो सेम उसी साइज़ की बनेगी जिस साइज़ का इमेज आपका इनपुट का था, क्योंकि देखो ना मास्क का जो सेंटर है वो आप एक एक सेल के ऊपर लेकर जा रहे हो, तो इट मींस कि वो आपका हर सेल की वैल्यू आपको मिलेगी,
हर सेल की वैल्यू, ठीक है। तो हर सेल की वैल्यू आप जब रिजल्टेंट के अंदर लेकर आओगे तो सेम उसी साइज़ का आपका रिजल्टेंट इमेज बनेगा जिस साइज़ का आपको इनपुट इमेज दिया गया था। तो इस तरह से ज़ीरो पैडिंग होती है। अब इन केस आपको कहा जाए कि इस पूरे इमेज के ऊपर आप कोरिलेशन या कॉन्वोल्यूशन आप इम्प्लीमेंट करो और एक एक सेल की वैल्यू आप फाइंड करो, तो आप ऐसे करोगे, ठीक है। लेकिन ना जैसे अभी असाइनमेंट का क्वेश्चन था हमारा, इस क्वेश्चन में कहा गया था आपको ये आपका मास्क है और ये आपकी इमेज है। इस इमेज के अंदर शेडिड एरिया आपको बताया गया था, शेडिड एरिया के अंदर ये 3 पिक्सल थे। आपको कहा गया था इन 3 पिक्सल्स की वैल्यूज़ फाइंड करो। अब इन 3 पिक्सल्स की वैल्यूज़ जो फाइंड करनी है ना, वो आप कैसे करोगे? फिर ये जो मास्क है इसका सेंटर जो है, पहले जैसे 255 वाले की हमने वैल्यू फाइंड करनी है, तो आपने क्या करना है, इस मास्क का सेंटर उठा के यहाँ पे अलाइन करना है और इसके जो बाउंड्री है वो उसके बाउंड्री में आ जाएगी। इन केस आपको कहा जाता है कि 35 वाले सेल की वैल्यू फाइंड करो, तो फिर आप क्या करते, आप ये मास्क उठाते यहाँ पर रखते और ये सेंटर वाली को 35 के साथ अलाइन करते, ठीक है। और जो इसकी बाउंड्री है वो इसकी बाउंड्री पर आ जाती और ये वाली साइड जो है यहाँ पर तो कुछ है नहीं, तो फिर आपको ज़ीरो पैडिंग करनी पड़ती, ठीक है। तो इसलिए यहाँ पर जाके आपकी ज़ीरो पैडिंग या दूसरी नंबरिंग वाली पैडिंग काम आती है। यहाँ पर तो खैर इस एग्जांपल में हमें नहीं चाहिए थी, क्योंकि इसके तीनों जो सेल्स हैं वो मिडल में आ रहे हैं और इसके बाउंड्री के बाहर जा नहीं रहा मास्क हमारा। तो इस तरह से आपने इसकी वैल्यूज़ फाइंड करनी थी, ठीक है। और इसका जो रिजल्टेंट इमेज बनना था उसमें ये साइड्स वाली वैल्यूज़ वही रहती, जस्ट जिस सेल की हमें कहा गया है ना उनकी वैल्यूज़, वो जो आप निकालते वो वाली वैल्यूज़ यहाँ पर लिखते जाते हैं। तो ऐसे होना था ये। अभी एक और तरह की पैडिंग होती है, उस पैडिंग में क्या होता है, आप ये बाउंड्रीज़ पर इसके नंबर्स नहीं लिखते हो। आप क्या करते हो, इस वाली बाउंड्री पर जैसे लिखना है तो ये लास्ट वाली रो जो है, मैं बना कर ही दिखाती हूँ आपको। ऐसे बाउंड्री हमने बनानी है इसकी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 ऐसी थी ना इमेज। अब हमने इसकी बनानी है पैडिंग, कैसे करनी है वो देखना है। मैं तो यही प्रेफर करती हूँ कि आप ज़ीरो पैडिंग कर लो, वो ज़्यादा इजी रहता है और कैलकुलेशंस भी आपको ज़्यादा नहीं करनी पड़ती। बट इन केस आपको पूछ लिया जाए कि ज़ीरो पैडिंग के अलावा पैडिंग कैसे करते हैं, तो आप ऐसे बता सकते हो, ठीक है। तो ये जो लास्ट रो है इसको उठा के ऊपर वाली पर रख दो, 13 14 15 16। ऐसे ये जो फर्स्ट रो है इसको नीचे वाले पर ले आओ, 1 2 3 4। ये लास्ट कॉलम को इस साइड पर ले आओ, 4 8 12 16। और इसका फर्स्ट कॉलम जो है इस साइड पर ले आओ, 1 5 9 13। अब एजेस पर कैसे हमने करने हैं, इस एज पर इस एज की वैल्यू आएगी उसके ऑपोजिट साइड की, इस एज पर इस एज वाली वैल्यू आएगी, इस एज पर इस एज वाली वैल्यू आएगी और इस एज पर ये वाली वैल्यू आएगी। तो इस तरह से इसकी अब हमने साइड्स पर नंबरिंग वाली पैडिंग कर दी है। एग्जैक्ट इसको कहते क्या है, आई थिंक इसको रैपिंग कहते हैं, नॉट श्योर कि इसको एग्जैक्टली क्या कहते हैं, बट आई थिंक इसको मैंने रैपिंग का ही पढ़ा था कि रैप कहते हैं इसको। खैर जो भी है, अब आपने अगर ये मास्क उठाकर अगर आपने 1 की वैल्यू निकाल लें, तो अब उसके सराउंडिंग के लिए भी हमारे पास हर जगह पर पिक्सल्स हैं। तो इस तरह से आप पैडिंग करते हो। अब इसके बाद आप इस पर कोरिलेशन इंप्लीमेंट कर लो या कॉन्वोल्यूशन इंप्लीमेंट कर लो, जो आपका दिल करे आप कर सकते हो, या जो आपको क्वेश्चन में पूछा जाए वो आप कर सकते हो। अब अगली वीडियो के अंदर ये जो था मैट्रिक्स वाला, मतलब 2D के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करना है, अभी मैं आपको इसकी 1D के ऊपर, वन डायमेंशन वाली जो अरे होगी उसके ऊपर कैसे कॉन्वोल्यूशन और कोरिलेशन इंप्लीमेंट करना है, अब मैं वो बताऊँगी। और फिर आई विल ट्राई कि हम 3D वाले के ऊपर कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, वो भी मैं आपको
ट्राई कर रही हूँ कि मैं बताऊँ आपको। तो अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।